इस चैनल सब्सक्राइब अन करोटिफिकेसन प्रावधिक सहायक पाठ्यक्रम आधारित संभावित प्रश्न सेट सैंतीस प्रश्न नंबर एक प्रणाली भन्ना के बुझी लगानी प्रक्रिया र मूल्यांकन लगानी जनशक्ति प्रतिफल पाठ्यक्रम सीकाई प्रक्रिया मूल्यांकन इसको सही क लगानी प्रक्रिया उत्पादन दुई परंपरागत शिक्षा प्रणाली भे नेपाली अंग्रेजी सामाजिक, गुंबा गुरुकुल मदरसा साधारण व्यावसायिक संस्कृत गुरुकुल आश्रम इसको सही ख गुम्बा गुरुकुल मदरसा तीन निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिवको पदावधि कति वर्षको छ तिन दुई सात पाँच यसको सही उत्तर सहयोग पाँच चार व्यक्तिको सामाजिकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक एकतालाई सुदृढ गर्ने विषय केमा प्रतिबिम्बित भएको छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना शिक्षा एन शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य नेपालको संविधान यसको सही उत्तर ग शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य पांच सामुदायिक विद्यालय को समग्र शैक्षिक सूचना तथा व्यवस्थापन कौन नि स्रोत केन्द्र गाँव शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शिक्षा विकास समन्वय इकाई इसका सही उत्तर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ने शिक्षक को पेशागत वृद्धि विवास को निर्धारण को चरण को क्रम कौन हो नवपरवेशी निपुण अनुभवी विशेषज्ञ विशेषज्ञ अनुभवी नवपरवेश विशेषज्ञ अनुभवी निपुण नवपरवेश अनुभवी विशेषज्ञ निपुण इसको सही उत्तर घ नवपरवेशी अनुभवी विशेषज्ञ निपुण सात विद्यालय क्षेत्र विकास योजना ने कुन पक्षाई बढ़ी जोड़ दी को सा, समता गुणस्तर प्रभावकारिता गुणस्तर पहुँच समानता समानता समावेशिता प्रभावकारिता पहुँच गुणस्तर सही उत्तर का समता गुणस्तर प्रभावकारिता आठ तथ्यांशास अध्ययन को क्रम कौन ठीक छ संकलन विश्लेषण प्रस्तुति निष्कर्ष संकलन, प्रस्तुति, विश्लेषण, निष्कर्ष निष्कर्ष विश्लेषण प्रस्तुति संकलन, विश्लेषण संकलन, प्रस्तुति निष्कर्ष इसको सही उत्तर ख संकलन, प्रस्तुति विश्लेषण निष्कर्ष नौ राष्ट्रीय शिक्षा आयोग दुई हजार उनपचास प्राथमिक शिक्षा को माध्यम भाषा सम्बन्धमा के सुझाव दिएको थियो मातृभाषालाई पनि मध्यम मा भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने नेपाली भाषा मात्रै मध्यम मा भाषा हुने नेपाली वा अङ्ग्रेजी माध्यम भाषा हुने मध्यम भाषा सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको यसको सही उत्तर क मातृभाषालाई पनि मध्यम भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने दस नेपालमा प्रचलित अक्षराङ पद्धतिमा टिग्रेटको स्तरीकृत अङ्क तल दिएको मध्ये कुन हो दु दु पॉइंट चार दुई पॉइंट आठ एक पॉइंट पोन्ट इसको सही उत्तर घ एक पॉइंट छ अंक एघारह बिहार को दुख का नाम ने कु नदी लाई चिंता गंडकी महाकाली कोशी कर्णाली इसको सही उत्तर घ कोशी बाहरा खुला तथा दूर शिक्षा नीति दुई हजार तिरसठी को नीतिगत उद्देश्य कोई विद्यालय शिक्षा वंचित बाल बालिका को पहुँच वृद्धि करने जीवन पर्यांत शिक्षा अभिवृद्धि करने पर शिक्षा को, को गुणस्तर सुधार करने प्राविधिक शिक्षा को विस्तार करने इसको सही उत्तर घ प्राविधिक शिक्षा को विस्तार करने तेरह शिक्षक तालीम नीति का चार क्षेत्र में क्या सामवेशन तालीम का गुणस्तर मापदंड तालीम में सवेशिता प्रवेश बिंदुम तालीम शैक्षिक विकास कार्यक्रम इसको सही। तर्क तालीम में सवेशिता चौदह अनौपचारिक शिक्षा नीति में निरक्षरता उन्मूलन करना कुन निकाले बड़ी जिम्मेवार बनाई तह अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रदेश स्तरीय शैक्षिक निकाय शिक्षा मंत्रालय क स्थानीय तह पंद्रह शिक्षा में सामाजिक न्याय को प्रत्याभूति कवकारी विशेष शिक्षा व्यवस्था सामहित शिक्षा शिक्षा में सवेशीकरण शिक्षा में निजीकरण इसको सहयोग घाजीकरण सोह कक्षा देखि पांच सम्मेद वर्ष को औपचारिक शिक्षा तीन वर्ष में पूरा करने सुविधा कस्ता बाल बालिक प्रदान कर आठ वर्ष मथिका पढ़ाई छड़ बाल बालिका चौदह वर्ष थी का पढ़ाई छड़ बाल बालि विजय में पढ़ाई छाड़ आठ देखि चौदह वर्ष का आठ देखि चौदह वर्ष का विद्यालय नगर बाल बालि इस विजय में पढ़ाई छाड़ आठ देखि चौदह वर्ष का बाल बालिक सत्रह शिव को वर्गीकरण कुार वैक्तिक शिव में पड़ेन जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता विवास करने विनयशीलता ईमदारिता आत्मव्यवस्थापन करने प्रभावकारी तर्क करने इसको सही उत्तर घ प्रभावकारी तर्क करने अठारह मूल्यांकन शैक्षिक मापन को हो यो कस को हो स्किनर ठर्णाइक एंड हेगेन जोन डिबे हिल दावा इसको सही उत्तर ख्र्णाइक एंड हेगेन उन्नीस सक्षमता में कौन तत्व प्रदर्शन ज्ञान सीप प्रवृत्ति ज्ञान रिप ज्ञान सीप अभिवृत्ति रूल्यमाता शिव प्रवृत्ति मूल्यमान्यता इसको सही ग ज्ञान सीप अभिवृत्ति रूल्यमाता बीस पाठ्यक्रम को बृहट अर्थ के हो सीकाई को योजना सिकाई को उद्देश्य सीकाई प्रक्रिया निश्चित विषय वस्तु सूची इसको सही तर्क सीका योजना एक्स ने विद्यालय तह को, को पाठ्यक्रम में पेशा व्यवसाय तथा प्रविधि शिक्षा कौन कक्षा में सवेश कर देखि आठ एकदि आठ आठदि दस देखि दस इसका सही उत्तर क छदि आठ बाईस कक्षा नौ को व्यावसायिक धारा में अध्ययन करने कुन जम्मा कति पूर्णांगक विषय अध्ययन करौ सौ पूर्णा हजार पूर्णाक आठ सौ सही सूर्णा हजार पूर्णा तेईस निर्णयात्मक मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य कौन हो? विद्यार्थी क्थी कमजोरी पत्ता लगाई सुधार करने विद्यार्थी को औसत उपलब्धि का आधार में नीतिगत सुधार का लगी सुझाव दिने विद्यार्थी को श्रेणी व ग्रेड निर्धारण करी प्रमाणित करने विद्यार्थी का रुचि पत्ता लगवाने इसको सहयुक्त विद्यार्थीको श्रेणी वा ग्रेड निर्धारण गरी प्रमाणित गर्ने चौबिस नेपालमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धतिलाई कुन कक्षासम्म अनिवार्य गरिएको छ कक्षा एकदेखि दससम्म कक्षा एकदेखि पाँचसम्म कक्षा एकदेखि तिनसम्म कक्षा एकदेखि सातसम्म यसको सही उत्तर घ कक्षा एकदेखि सातसम्म पच्चिस विद्यालय समुदायका लागि हो र समुदायको सहयोग विद्यालयका लागि हो यो भनाई कुन योजनाले अङ्गीकार गरेको छ आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा योजना विद्यालय सुधार योजना विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना सबका शिक्षा राष्ट्रीय योजना, इसको सही उत्तर ख विद्यालय सुधार योजना भिडियो कस्ट लगे मन पे में लाइक करह सुझाव भय में कमेंट कर हालसम इस चैनल सब्सक्राइब करूक सब्सक्राइब करूला और में रहकर बेलाइकन दबाए अल नोटिफिकेशन अन कर त्यसले हाम्रो नयाँ भिडियो आएको तपाईँलाई जानकारी गराउनेछ